हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं एक मैट्रिक्स का टॉपिक जो कि एक ट्वेल्थ का टॉपिक है। मैट्रिक्स के टॉपिक में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स क्या चीज होती है, मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हर चीज के बारे में अपन नॉलेज करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होती है उनके बारे में। उनके बाद में जो छोटी सी चीज पढ़ेंगे वो है उनकी डेफिनेशन, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या, उनका क्रम क्या, उनके बारे में। ठीक है, उनके बारे में हम नॉलेज करेंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती है, इनका यूज कैसे करते हैं अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में और क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि रो है, कॉलम्स है, उनके बारे में। उनके बाद में आपका आएगा मैट्रिक्स मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बहुत टाइप की होती है, उनमें से जो मेन मेन टाइप्स है जो बहुत काम आते हैं उनके बारे में अपन आज नॉलेज करेंगे, जो कि मैंने सेवन टाइप लिखे है। सबसे पहले मैंने तो टाइप लिखा है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा उनके बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे अपन, एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे इनके। आगे आपका कॉलम्स मैट्रिक्स, उनके बारे में भी हम नॉलेज पढ़ेंगे। फिर आपका जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और लास्ट में आपका डायगोनल मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स भी इनके जैसा ही होगा। और लास्ट में पढ़ेंगे अपन इकाई मैट्रिक्स क्या होता है। तो ठीक है, हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लेते हैं अपन डेफिनेशन, सॉरी पहले वाले टॉपिक है वो अपन लेते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने कहा था, उनका नाम आर्थर कैली था, आर्थर कैली, उन्होंने यह कहा था कोई भी अपन रैखिक समीकरण को यूज करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनकी जो भी राशियां होती है रैखिक समीकरण की, आपकी जो भी राशियां है उन राशियों को एक मतलब व्यवस्थित क्रम में रख दो, उन राशियों को मतलब व्यवस्थित क्रम में रख दो, जैसे कि आयतन का क्रम में हो या फिर वर्ग के क्रम में हो, उनके क्रम में रखकर उनको सिंपल सी ट्रिक से सॉल्व किया जाए, उनको एक क्रम में रखकर एक सिंपल सी ट्रिक से सॉल्व किया जाए और उनका सॉल्व एकदम आसानी से निकल जाए, तो उस क्रम को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये इनकी जो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी। उनके बाद में अपन देखेंगे इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। इनकी जो डेफिनेशन होगी, इनकी डेफिनेशन यह होगी कि मैट्रिक्स पहले तो होती क्या है, मैट्रिक्स को एक में कौन सी भी कोष्टक में लिख सकते हैं आप चाहो तो ये कोष्टक यूज कर लो, आप चाहो तो ये कोष्टक यूज कर लो, आप यूज कर लो। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो होगी कि कोई भी रैखिक समीकरण या कोई भी समीकरण है उनकी जो भी राशियां है, क्या है राशियां, या भी इनको बोलते हैं अपन राशियां, या भी अपन बोलते संख्या है, कि कोई भी राशियां या भी संख्या है उनको एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाए। ऐसे कोई नंबर से कोई समीकरण दी हुई है कि x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, सेकेंड जो दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ऐसी कोई समीकरण है इनको व्यवस्थित क्रम में रखा जाए उनको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि x के आगे क्या अपन 1 लिख दिया, ये वाला 2, ये वाला भी 2 और ये 3, इन ये मतलब तो क्रम में x और y का, उनको अपन संख्या को ऐसे क्रम में रख दे उनको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो होगी कि वो संख्या है या वो रैखिक समीकरण जिनकी जो भी राशियां है, जो भी संख्या है उनको एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाए उनको अपन बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखना चाहूंगा अपने कहना कि वो राशियां या वो समीकरण जिनकी जो भी राशियां है या फिर जो भी संख्या है उनको एक व्यवस्थित क्रम में रख दो तो उनको अपन बोलेंगे मैट्रिक्स। उनके बाद में आपका जो आएगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर, और मैट्रिक्स के ऑर्डर में क्या आएगा, मैट्रिक्स में मेन चीज होती है दो, एक चीज तो होती है आपकी रो, सेकेंड होती है आपकी कॉलम्स। पहले क्या होगी रो, सेकेंड आपकी होगी वो है कॉलम्स, एक होगी रो, सेकेंड होगी आपकी कॉलम्स। रो को अपन एमबी में बोल सकते हैं पंक्ति, लाइन होती है वही, कॉलम्स को बोल सकते हैं स्तंभ। रो क्या होती है, तो लाइनें होती सीधी नॉर्मली ऐसे वाली, और कॉलम्स क्या होते हैं एकदम सीधी लाइन ऐसे ये वाले। ठीक है, ऊपर से नीचे हो तो उनको बोलेंगे अपन कॉलम्स, और ऐसे लाइनें हैं इस साइड से उस साइड तक उनको अपन बोलेंगे रो।
तो कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स जो क्रम दिया हुआ आपको मैट्रिक्स दी हुई उनका मतलब तो क्रम कौन सा है, उसमें रो कितनी है या कॉलम्स कितने हैं, उनका नंबर जानने के लिए एक तो होती है उनमें रो और एक होती है कॉलम्स। अब जैसे कि मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, कोई एग्जाम्पल के साथ नंबर लिख रहे यह है, तो इसमें क्या होती है कि यहां पर जो नंबर लिखा जाएगा इनका ऑर्डर लिखा जाएगा क्रम, उसमें एक तो आएगी रो, सेकेंड आएगा कॉलम्स, सबसे पहले क्या आएगा आपका रो, तो रो कितनी है इसमें, एक ये वाली, सेकेंड आपकी है ये वाली, रो कितनी होगी आपकी दो, तो दो में लिखोगे आप यहाँ पे, यानी कि ये आपकी हो गई रो, सेकेंड सीट रहेगी इसमें हो रहेगी कॉलम्स, कॉलम्स एक ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, यानी कि तीन कॉलम्स बन गए, तीन कॉलम्स बनेंगे, सेकेंड में मल्टीप्लाई में लिखेंगे थ्री, तो ये तो है आपका क्रम हो गया, क्या हो गया क्रम। अगर आपको ये भी कोई कह रहे कि टू मल्टीप्लाई थ्री के क्रम में कोई मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें अपन क्या बारे में नॉलेज देंगे, तो उसमें अपन ये कहेंगे कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें दो तो है रो और तीन क्या है कॉलम्स, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि रो है, रो को अपन डिनोट करेंगे वो है एम से, और कॉलम्स तो है उन कॉलम्स को लिखेंगे अपन एन से, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें अपन की क्या होगी जो भी रो होगी कितनी भी रो हो उसकी, माना कि मैं जो यहां पर रो है वो है आपकी एम रो, ठीक है, एम रो हो जाएगी तो उनको अपन बोलेंगे एम। अब यहां पर लेके अपन कॉलम्स, कॉलम्स भी कितने भी हो सकते हैं, आगे लाइफ में जो भी जितने भी कॉलम्स है अपन मान लेते हैं कि एन कॉलम्स है, एन जितने भी कॉलम्स हो गए उनको अपन बोलेंगे एन, ये इनका ऑर्डर रहेगा, एम से डिनोट करेंगे रो को और एन से करेंगे अपन कॉलम्स को। तो इनका जो एक रूप क्या लिखने का, मैट्रिक्स किस रूप में अपन लिख सकते हैं वो होगी, मैट्रिक्स को वैसे तो अपन लिख सकते हैं कोई भी अल्फाबेट यूज करके, क्या यूज करके, कोई भी अल्फाबेट का नाम लिख सकते, जैसे कि ए है कैपिटल या फिर बी है या सी है, ऐसे अपन कोई भी नाम से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं कोई भी नाम मैट्रिक्स में, अपन ए से स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं ए से, मैट्रिक्स कोई नाम है जो कि ए है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, ये आपकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपका कोई भी अवयव रहेगा, इधर जो भी मेंबर्स रहेगा उनको अपन बोलेंगे अवयव, जैसे सबसे स्टार्टिंग वाला मेंबर्स है ए वन वन, इन वन वन का मतलब ये हुआ तो पहले वाला वन है इनका मतलब हो गया रो, वन रो पे, और ये वाला हो गया कॉलम्स है, वन ही रो है और वन ही रो है और वन ही कॉलम्स है उनको अपन बोलेंगे वन वन। सेकेंड आपका क्या आएगा ए वन टू, वन का मतलब हो गया रो, यानी वन ही रो सर नहीं है अभी तक लेकिन कॉलम से सेकंड आ गया, फिर आपका आएगा डॉट डॉट करके वन थ्री, फिर लास्ट में क्या लिखता हूं मैं वन एन, ठीक है। ये हो गया आपका एक लाइन, यानी ये ओनली वन रो बन गई। सेकंड में क्या आएगी आपकी टू वन, इन टू का मतलब क्या हो गया रो, कि सेकंड रो है, और वन का मतलब हो गया कॉलम्स, वन जो है वो कॉलम फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 22, इन टू का मतलब हो गया सेकेंड रो हो गई और सेकेंड ही क्या हो गया कॉलम्स, फिर क्या आ जाएगा ए 23 डॉट 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 ए टू एन, इन टू का मतलब हो गया आपका रो हो गई और एन जो है आपका कॉलम्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ऐसे, लास्ट कॉलम जो है वो एन है, और लास्ट अपन क्या कर देते, पहले रो हो गई ये, सेकेंड हो गई है, थर्ड लास्ट में कोई हो जाएगी आपकी वो रो होगी, अपन मान लेते एम रो, और ये वाला हो गया आपका फर्स्ट कॉलम एम वन, सेकेंड अपन क्या लिखेंगे एम टू, यानी एम तो है रो, सेकेंड है आपका कॉलम्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका एम एन, यानी इनका मतलब ये हुआ कि एम तो है आपकी रो, ये एम में भी रो है और एन में कॉलम्स में जो ये वाला मेंबर है इनको बोलेंगे अपन ए एम। तो इसमें क्या होगा, रो कितनी होगी और कॉलम्स कितने होंगे, तो रो कितने होंगे वन टू, और लास्ट में अपने एम मान लिया, एम क्या आएगा इनका रो हो गई, फिर मल्टीप्लाई में हम क्या लिखते थे कॉलम्स लिखते हैं, कॉलम्स में क्या आएगा आपका एन, ये आपकी होगी रो, ये आपका हो गया कॉलम्स, इस तरीके से अपन इनको लिख सकते हैं। अगर कोई भी मेंबर्स को लिखना चाहे या फिर कोई भी मैट्रिक्स को और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई मेंबर्स है आपका
आई और जे, ये आपका मेंबर्स हो गया। और मल्टीप्लाई में उनके लिए देता हूं मैं एम एम मल्टीप्लाई एम, एम का मतलब रो, एन का मतलब कॉलम्स, मैंने यहां पर आपको समझा दिया। आई का मतलब हो गया आईवा पौधे, कौन से आई भी रो है। और जे का मतलब हो गया जेवा कॉलम्स है। अब मैं कोई भी मेंबर्स दे दू आपको, क्या देखो A54, तो इनका मतलब क्या होगा, तो ये मेंबर्स है वो पांचवी रो पे है, पांचवी 1 2 3 4 5 या पांचवी रो है और फोर्थ कौन सा कॉलम, यानी कि ये पांचवी रो पे और फोर्थ कॉलम पे आया हुआ, उनका स्थान अपन देख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिसमें आपने पढ़ा था कि मैट्रिक्स की रो है और एक होती है आपकी कॉलम्स। उनके बाद जब हम जाते हैं टाइप कौन कौन से मैट्रिक्स के, सबसे पहले अपन टाइप में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स तो बहुत टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की बहुत होती है मैट्रिक्स में, लेकिन हम पढ़ेंगे तो मैंने 7 टाइप मैंने ली है उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ओपन करते हैं रो, कौन सा करते हैं रो मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मैट्रिक्स आएंगे वो आपकी रो, रो के नाम से अपन को मालूम पड़ रहा है कि ये रो मैट्रिक्स है। रो क्या होती है मैं अभी आपको समझाए कि एक ही लाइन में होगा उनको, जैसे कोई नंबर से A11, A12, A1n, यानी कि एक रो है। अब इसमें अपन कॉलम्स नहीं लेंगे क्योंकि रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या ले सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम्स हो, तो एक ही रो हो, क्या हो एक ही रो हो, कॉलम्स पर एक कितनी भी हो लेकिन रो कितनी हो एक ही, उनको अपन बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे इनका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इनका क्रम क्या होगा कि इसमें रो कितनी है, वन नहीं है तो क्या लिखेंगे अपन वन रो, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे अपन कॉलम्स, तो कॉलम्स कितने हैं इसमें लाइक एन तक है, एन इनका क्या होगा ऑर्डर, यानी कि ये वन मल्टीप्लाई एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इनको अपन बोलेंगे वन। आगे वन आया मतलब ये क्या हुआ कि एक ही रो है इसमें, एक ही रो हो गई तो ये कौन सी होगी रो मैट्रिक्स, क्या हो गई रो मैट्रिक्स। कोई भी इसमें क्या एग्जाम्पल ले लो 1 2 3 4, इसमें क्या हो गई एक ही रो है आपकी लेकिन कॉलम्स आपके चार है, कितने कॉलम्स आपके चार है, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि वन तो हो गई आपकी रो, कॉलम्स कितने आपके फोर, इनका मतलब क्या होगा वन आपकी होगी रो और लाइफ फोर आपके क्या है कॉलम्स। तो आपको देख के मालूम पड़ना चाहिए कि वन मल्टीप्लाई फोर का कोई भी ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया जाता है तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, वन आगे आती है आपको मालूम पड़ना चाहिए वन ही रो है, एक ही रो है, रो एक है मतलब ये होगी आपकी रो मैट्रिक्स, कॉलम्स भले कितने भी हो फोर हो या फाइव हो लेकिन वन एक आपका एक ही रो आ गई मतलब ये रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। उनके बाद में अपन देखते हैं कि कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, कॉलम्स मैट्रिक्स कॉलम्स मैट्रिक्स के नाम में आपको सबसे पहला जो आ रहा है आपको है वो है कॉलम्स। कॉलम्स की हिंदी में क्या बोलते हैं अपन स्तंभ अवयव, ठीक है ये आपका हो गया स्तंभ। स्तंभ के नाम से अपन जानते हैं कि स्तंभ कैसा होगा, कॉलम्स ऐसे होंगे, ऐसे कोई नंबर्स दिए हुआ आपको A11, A21, A31, A41, A1, और बड़ा लेते हैं, ये हो गई आपकी कॉलम्स मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होगा आपका कि वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम्स हो रो भले कितनी भी हो, वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो रो भले कितनी भी हो, जैसे यहां पर क्या एक ही कॉलम्स है, सबसे पहले क्या आएगा आपका रो आएगा, रो कितनी है 1 2 3 4 5 6 एन रो है तो अपन लिखेंगे एन, अरे रो अपन क्या लिखते हैं एम से लिखते हैं एम लिख लेते हैं, ठीक है एम हो गया आपका रो, लेकिन कॉलम्स क्या हो गए इनके ओनली वन कॉलम्स है तो वन कॉलम्स, तो इन ऑर्डर को एम मल्टीप्लाई वन ऑर्डर है, इन ऑर्डर को अपन बोलेंगे एम तो हो गई इन पे रो और वन हो गया कॉलम्स, ऐसे ऑर्डर को बोलेंगे अपन कॉलम्स मैट्रिक्स है। अगर आपको कहीं पर भी दिया हुआ आए कि ये फोर मल्टीप्लाई वन ये वाली कौन सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है
ये वाली कौन सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो आपको देखते ही मालूम पड़ना चाहिए कि फोर क्या है, इसमें रो है, वन क्या कॉलम, कॉलम्स वन है, मतलब ये क्या हो गई कॉलम्स मैट्रिक्स, क्या हो गई कॉलम्स मैट्रिक्स, और फोर रो भले कितनी भी हो, रो भले कितनी भी हो, कॉलम्स वन आ गया मतलब ये हो गई कॉलम्स मैट्रिक्स। अब अपन पढ़ेंगे कॉलम्स मैट्रिक्स के बारे में, पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स, क्या पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। पहले अपने पढ़ी रो मैट्रिक्स हो गई आपकी, कॉलम्स मैट्रिक्स हो गई, अब पढ़ेंगे अपन जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स इनके नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कि जीरो क्या होता है, जीरो इस नाम से आप क्या जानते होंगे, जीरो मतलब कुछ नहीं। आप मैट्रिक्स ले लो, उसमें ऑल मेंबर्स को आपको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। जितने भी मेंबर्स लो आप, जीरो 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 जीरो, ये आपने मैट्रिक्स ले लिया, कोई भी सब मेंबर्स क्या करेंगे जीरो, उनको अपन बोलेंगे ये वाला मैट्रिक्स कौन सी हो गई, जीरो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन भी क्या लिख सकते हैं अपन, कि वो मैट्रिक्स जिसमें ऑल मेंबर्स ऑल अवयव क्या हो, जीरो हो, उनको बोलेंगे अपन जीरो मैट्रिक्स। इनका क्रम क्या होगा, क्रम देख लो कि रो कितनी है, वन और टू, टू क्या हो जाएंगे आपके रो, मल्टीप्लाई में हम क्या लिखते हैं कॉलम्स, कॉलम्स कितने इसमें, वन टू और थ्री, थ्री कॉलम्स हो गए, तो टू मल्टीप्लाई थ्री, यानी टू मल्टीप्लाई थ्री ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। और जब आपकी ये आ जाएगी जीरो मैट्रिक्स, तो उनको अपन लिखेंगे जीरो से कैपिटल जीरो होता है, थोड़ा सा बड़ा करना आपको, उनको बोलते हैं अपन जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा आपका, आपको मालूम नहीं होगा कि क्या होगा, कि ऑल मेंबर्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, उनको अपन बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। उनके बाद अपन पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से आपको मालूम पड़ गया कि स्क्वायर की तरह है, और स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर में ऑल साइड क्या होती है, सेम होती है, स्क्वायर में ऑल साइड क्या होगी, सेम होगी। तो मैट्रिक्स में भी इनकी जो रो है और कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो कोई भी आप मैट्रिक्स बना लो, मैंने क्या बनाई मैट्रिक्स बनाई, उसमें अपन को रो और कॉलम्स क्या करने हैं, सेम करने हैं। यानी कि कोई भी मैं मैट्रिक्स लू, एम उनकी रो है और कॉलम्स में क्या ले लू, एन। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि अपन को स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, इसमें स्क्वायर के नाम से अपन को मालूम पड़ रहा है कि स्क्वायर में ऑल साइड क्या होती है, सेम होती है। तो इसमें भी क्या होगा, रो मैट्रिक्स में जितने भी रो है, जितने भी कॉलम्स है, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर भी अपन क्या मान ले, जितनी रो मानी है एम रो मानी है, एम ही क्या मानना आपको, कॉलम्स मानना है। अब आप देखो कोई भी नंबर ले लो, मेंबर्स वन वन, वन मैट्रिक्स, फिर वन रो और वन ही कॉलम, वन टू डॉट 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 वन एम। नीचे जाओगे आप क्या रह जाएगा आपका, एन वन एम वन, एम टू डॉट 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 एम एम। ये ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स जो भी हो, लेकिन वो सेम हो, रो और कॉलम्स जो भी हो वो सेम हो, उनको अपन बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा ऑर्डर, ऐसा आपको कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ, थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, इनको अपन देखते ही मालूम करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम्स क्या है, सेम है। जब भी सेम हो आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये आपकी हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। इनका कोई भी आप एग्जाम्पल लो, इनका एग्जाम्पल क्या लेते हैं अपन, जैसे कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, वन टू वन फोर फाइव वन थ्री, ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, कि जितने रो हो गए उतने क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। रो कितनी है, वन टू थ्री, थ्री रो हो गई, और कॉलम्स भी कितने हैं, वन टू और थ्री, यानी थ्री कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कितनी हो, थ्री हो, यानी सेम हो, और कॉलम्स भी थ्री हो, कि वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स क्या हो, सेम हो, उनको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपकी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में अपन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वो है आपका डायगनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगनल का नाम क्या होता है, विकर्ण, हिंदी में बोलते हैं अपन विकर्ण। कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें विकर्ण क्या होता है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 कुछ भी नंबर लिख लो, ये आपकी मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा, जो विकर्ण है ये वाले विकर्ण, उनको अपन बोलते हैं विकर्ण। बीच में जो मुख्य विकर्ण होता है, मेन मेन पॉइंट, उनको अपन बोलेंगे विकर्ण। ये जो विकर्ण है इनको छोड़ के ऑल जो मेंबर्स है, इनको छोड़ के ऑल जो मेंबर्स है, अगर वो क्या हो जाए, जीरो बन जाए, तो उनको अपन बोलेंगे डायगनल मैट्रिक्स। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब हुआ कि उसमें ऑल मेंबर्स, जो ऑल रो है और ऑल ही कॉलम्स है वो सेम हो, ठीक है। विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका जितने भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले रहे हैं, ये हो गए आपके मेंबर्स। कि विकर्ण मैट्रिक्स जो है, ये उनके जो मेन विकर्ण है इनको छोड़ के इनके अलावा जो भी मेंबर्स है वो क्या हो जाए, जीरो है। विकर्ण मैट्रिक्स में मेन विकर्ण के अलावा, मेन विकर्ण के अलावा जो भी मेंबर्स है वो अगर क्या हो जाए, जीरो है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी आपकी, डायगनल मैट्रिक्स। क्या हो जाएंगे आपकी, डायगनल मैट्रिक्स। वापस सुनना कि मेन विकर्ण के अलावा, मेन विकर्ण के अलावा जो भी मेंबर्स है वो क्या हो जाए, जीरो है, तो जो वो मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स के बाद में अपन पढ़ते हैं वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश, अदिश मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। कि वो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें जो मेन विकर्ण जो है उसमें क्या था, डायगनल में आपका कि मेन विकर्ण जो था उनको छोड़ के अपन क्या करते थे, ऑल मेंबर्स को क्या मानते थे, जीरो मानते थे। इसमें भी आपको वैसे ही करना है कि मेन जो आपका विकर्ण है उनको छोड़ के जो भी मेंबर्स है उनको अपन क्या मानना है, जीरो मानना है। मेन विकर्ण को छोड़ के जो भी मैट्रिक्स, जो भी मेंबर्स है उनको अपन क्या मानेंगे, जीरो। लेकिन इनका जो मेन विकर्ण है इसमें क्या होगा, मेन विकर्ण में जो मेंबर्स है वो क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। आपके डायगनल मैट्रिक्स में क्या था, मेन विकर्ण जो रहेगा उनको छोड़ के जो भी मेंबर्स है वो क्या मानेंगे, अपन जीरो मानेंगे। लेकिन जो मेन विकर्ण में जो पॉइंट है वो अलग अलग थे उसमें, लेकिन अपन स्केलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे कि जो भी मेंबर्स थे मेन विकर्ण के वो क्या रहेंगे, सेम। 2 2 2 है या फिर 5 5 5 ले लो, कोई भी मेंबर्स है वो विकर्ण, जो मेन विकर्ण के जो मेंबर्स है उनको अपन बोलेंगे सेम रहेगा अगर, तो बोलेंगे उनको स्केलर मैट्रिक्स। इनका क्रम क्या होगा, 3 × 3 का। क्यों, कारण क्या है इनका, 3 क्या है, रो है, और 3 भी क्या है, कॉलम्स है, तो इनको अपन बोलेंगे कॉलम्स हो गया। इनको क्या बोलेंगे अपन, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अपन क्यों बोल रहे हैं कि मेन विकर्ण में ऑल मेंबर्स अपन का सेम है, अगर सेम हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है आपका वो टॉपिक है आपकी यूनिट मैट्रिक्स। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, यूनिट मतलब वन, क्या होता है यूनिट मतलब वन, क्या होगा यूनिट मतलब वन। कि ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स वो की वो लिखी जो अपन पहले लिखी थी अदिश वाली, उसमें ही अपन थोड़ा बहुत सेंस करेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें मेन विकर्ण के अलावा क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में सब क्या होता है, जीरो होता है। कि वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें उनके जो मेन विकर्ण के जो भी मेंबर है, मेन विकर्ण के जो भी मेंबर है वो क्या हो जाए, 1 1 1 ही होंगे, मतलब 1 ही होगा। अपने जितने भी मैट्रिक्स है, ये तो होगी आपकी 3 × 3 की, अगर 4 × 4 की भी है, अगर 4
फोर मल्टीप्लाई फोर की भी है, ऐसे कि 1 0 0 0 जीरो वन जीरो 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 हो गई आपकी फोर मल्टीप्लाई फोर की, कौन से हो गए फोर मल्टीप्लाई फोर की। लेकिन इसमें भी मैं विकर्ण के जो भी मेंबर्स है वो क्या है, 1 1 1 है, और 1 1 1 होते हैं क्या बोलेंगे अपन, अपन बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा मैट्रिक्स के बारे में, लगभग बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी मैट्रिक्स के बारे में। वापस रिविजन करके थोड़ा बहुत, सबसे पहले आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा आपने कि मैट्रिक्स है आपकी, कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अपन क्या यूज करते हैं और मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं कोई भी रैखिक समीकरण को, उनका जो मैन जो है वो है इनका इंट्रोडक्शन कि कैसे अपन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं सिंपल मेथड से। ओपन आगे वाला वीडियो पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं अलग अलग टाइप से, उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिविजन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। उनके बाद में हमने जो किया था वो किया था डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन मैंने क्या बताया थी आपको कि कोई भी आपके समीकरण है, कोई भी समीकरण की जो भी राशियां है, कोई भी समीकरण की जो भी राशियां है उनके व्यवस्थित क्रम में रखकर उनको सॉल्व किया जाए, कोई भी रैखिक समीकरण की जो भी राशियां है उनको अगर एक व्यवस्थित क्रम में रखकर उनको सॉल्व किया जाए तो उनको अगर बोलेंगे मैट्रिक्स। फिर आया था हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर में हमने पढ़ा था एक तो था रो, सेकेंड आपका था कॉलम, रो और कॉलम, पहले आएगी वो आएगी आपकी रो, सेकेंड में आपका आएगा कॉलम। फिर आपने कहा था कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया आपको, सेवन टाइप बताए, सेवन में सबसे पहले आपने क्या पढ़ाया कि रो मैट्रिक्स पढ़ाया, क्या पढ़ाया रो मैट्रिक्स, रो में क्या था एक ही रो थी, कॉलम से भले कितनी भी हो रो कितनी थी वन ही आपके, उनके बाद में क्या पढ़ा कॉलम्स, कॉलम्स में क्या था एक ही कॉलम्स था, रो भले कितनी भी हो कॉलम्स कितना था वन कॉलम्स था। फिर क्या पढ़ा हमने जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में ऑल मेंबर क्या बताए थे हमने जीरो बताए थे, जितने भी मेंबर होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे, उनको अपन बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। उनके बाद अपन क्या पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा हमने कि उनके जितने भी रो है और कॉलम्स है वो क्या हो सेम सेम हो तो उनको अपन बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उनके बाद में आपने पढ़ा था डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो मेन विकर्ण है उनको छोड़ के जितने भी मेंबर है वो क्या हो जाए जीरो बन जाए तो उनको अपन बोलेंगे डायगनल मैट्रिक्स। उनके बाद में हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि वो डायगनल मैट्रिक्स जिसमें मेन विकर्ण के जो भी मेंबर्स है वो क्या हो जाए सेम है, 2 2 2 या 4 5 5 4 4 4 कोई भी मेंबर्स है वो सेम है और उनके अलावा जो भी मेंबर्स क्या हो जाए जीरो जीरो हो जाए तो उनको अपन बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और लास्ट में हमने पढ़ा है यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स के नाम से अपन को मालूम है यूनिट मतलब वन और वन का मतलब हो गया तो उनके जो भी मेन विकर्ण है वो क्या हो जाए 1 1 1 है, बाकी जो भी मेंबर्स है वो क्या हो जाए जीरो है उनको अपन बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच, आज आपने क्या पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दी मैंने, अगले वीडियो में मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। कीप सपोर्ट बीटीसी चैनल, थैंक यू सो मच।